हेलो दोस्तों, आज Redmi Note 11 T 5G मोबाइल का रिव्यू करने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं इस मोबाइल के बारे में। इससे पहले, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, हमारा चैनल Tech92Gadget को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं Redmi Note 11 T 5G मोबाइल की। बैक साइड काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है और ग्लास फिनिश के साथ में आता है, जो काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है और लुक बहुत ही काफ़ी शानदार है। ये मोबाइल आप एक नया मॉडल एंटर मॉडल ले सकते हैं। और बैक साइड में आप देख सकते हैं रेडमी की ब्रांडिंग 5G के साथ में दिख रहा है और बैक काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक काफ़ी शानदार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मोबाइल। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक डायमंड सिटी 810 की है, जो 6 nm में बना हुआ है। प्रोसेसर 5G है, जो 7 बैंड को सपोर्ट करता है, जो डुअल 5G भी सपोर्ट करता है और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें हेवी गेमिंग, मल्टीटास्किंग और पबजी, फ्री फायर, आप कोई सा भी मोबाइल गेम खेल सकते हैं और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। आप एक पावरफुल प्रोसेसर 5G मोबाइल लेना चाहते हैं, पावरफुल प्रोसेसर वाली ये मोबाइल आप ले सकते हैं। ये मोबाइल आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये 810 डायमंड सिटी प्रोसेसर जो कि नया है, कुछ मोबाइल पे आया है मगर कुछ फिर भी बहुत काफ़ी अच्छा है, जो बैटरी को भी बहुत कम कंज्यूम करता है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छा मोबाइल हो सकता है, आप चाहे तो ले सकते हैं मोबाइल। जो रेडमी लवर के लिए मोबाइल ठीक है और 5G प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, जो डेली टू डे लाइफ के लिए भी आपके लिए ठीक ठाक है। कोई हैंग लैग कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा इस प्रोसेसर में, आप डे टू डे लाइफ सब कुछ आप कर सकते हैं इस प्रोसेसर में। ये मोबाइल आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा मोबाइल है। मीडियाटेक की तरफ से इसका प्रोसेसर है डायमंड सिटी 810 प्रोसेसर, जो 5G प्रोसेसर है। और इसकी ज़्यादा रैम वाली, जो 8GB रैम वाली है, उस पर आप रैम बढ़ा सकते हैं 3GB तक। और बैटरी की बात करें तो इस पर 5000 mAh की बैटरी वाली, जो 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आप काफ़ी फास्ट एक या सवा घंटा में चार्ज कर देगा। और इसकी डिस्प्ले की बात करें तो 90Hz रिफ्रेश रेट, जो काफ़ी स्मूथ चलाने में आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, जो ये आपको लिए काफ़ी अच्छा कर दे। उसके कैमरे की बात करें तो 50MP मेन कैमरा और वाइड एंगल कैमरा 8MP का, जो आपको बैग में मिल जाएगा। दो कैमरा और एक फ्लैश और एक AI सेंसर का साथ में आता है। और इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको फ्रंट कैमरा में 16MP की फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जो सेल्फी के लिए काफ़ी अच्छा है। और ये मोबाइल के आप लुक दे सकते हैं। ये आप 3 वेरियंट में आता है, 6GB रैम और 64GB फोन में, और ये आपको 16,999 रुपये का मिल जाएगा। और 6GB रैम 128GB फोन में, और ये आपको 17,999 रुपये का मिल जाएगा। और एक तीसरा वेरियंट है, जो 8GB रैम 128GB फोन में, और ये जो आपको 19,999 रुपये में मिल जाएगा। ये तीनों वेरियंट वाला मोबाइल आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, और ये मोबाइल आप EMI के स्टोर से भी खरीद सकते हैं। आइए, वीडियो में आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।